तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं बात करने वाला हूँ एमसीए सीईटी के महाराष्ट्र कॉलेजेस के कट ऑफ्स के बारे में, एंड डिटेल में आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से कट ऑफ जो है वो रेफर करना चाहिए, एंड कौन से टॉप कॉलेजेस हैं एंड उनका कट ऑफ कितना जाता है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो गाइज एंड तक देखते रहिए, एंड चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको एमसीए से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो सबसे पहले गाइज एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो एमसीए सीईटी के दो टाइप्स के कट ऑफ्स होते हैं। एक होते हैं गाइज हमारे एआई कट ऑफ, जिसे हम बोलते हैं ऑल इंडिया कट ऑफ्स, एंड एक होते हैं हमारे महाराष्ट्र लेवल वाले कट ऑफ्स। तो इस वीडियो में मैं महाराष्ट्र लेवल वाले कट ऑफ्स के बारे में जो है वो बात करूंगा, एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एआई कट ऑफ्स भी जो है वो देखेंगे। तो जो कट ऑफ की लिस्ट है गाइज, ये हमें तीन टाइप की जो लिस्ट है वो मिलती है। कैपरन वन की एक लिस्ट होती है, कैप टू की एक लिस्ट होती है, एंड कैप थ्री की एक जो लिस्ट है वो होती है। अब ये तीन लिस्ट क्यों होती है? तो देखो गाइज, जब हमारी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उस टाइम तीन कैप राउंड जो है वो होते हैं। कैप राउंड का मीनिंग होता है, कैप का फुल फॉर्म होता है कॉमन एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। तो कैप राउंड के प्रोसेस में गाइज हमें कैप राउंड वन में कॉलेजेस के जो नाम है वो डालना होता है, फिर उसमें से कोई कॉलेज लगता है नहीं लगता है, फिर उसके कट ऑफ निकलते हैं, फिर कैप राउंड टू शुरू होता है, फिर कैप राउंड थ्री शुरू होता है। तो ऐसे तीन कैप राउंड जो है वो हमारे रहते हैं। तो इनके बाद में डिटेल में मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि पूरी जो प्रोसेस है वो कैसी होती है। फिलहाल अभी हम जो है वो कट ऑफ्स के ऊपर बात करेंगे। तो देखो गाइस, महाराष्ट्र लेवल वाले कट ऑफ्स में मेनली आपको कट ऑफ्स में जो है वो सीईटी का जो स्कोर है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे गाइस हमारा जो परसेंटाइल है वो रहता है, एंड यहाँ पे हमारा जो रैंक है वो रहता है, ठीक है। तो ये है रैंक, एंड ये है गाइज हमारा परसेंटाइल, ठीक है। तो परसेंटाइल हमें जो है वो हमारे रिजल्ट के बेसिस पे जो है वो मिलता है। तो जो भी रिजल्ट लगेगा तो उसके बेसिस पे हमें हमारा जो परसेंटाइल है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो रैंक है वो दिया हुआ है, तो ये जो रैंक है वो आपको कब मिलेगा वो भी बताता हूँ। तो रैंक गाइज हमें जो है वो मिलता है एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद। तो अभी पहले हमारा रिजल्ट लगेगा, रिजल्ट लगने के बाद गाइज हमारी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है फॉर एडमिशन वो स्टार्ट होगी। एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद, फॉर्म फिल करने के बाद हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगे, एंड उसके बाद गाइज जो एमसीए सीईटी की मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होगी। एंड यहाँ पे गाइज आपको अपना जो मेरिट नंबर है वो मिलेगा, जिसके बेसिस पे गाइज हमारा जो एडमिशन है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा परसेंटाइल, एंड यहाँ पे होता है गाइज हमारा मेरिट नंबर, ठीक है। इसके अलावा गाइज आप देखो, इस लिस्ट में बहुत सारे जो पेजेस है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने भी कॉलेजेस ऐसे हैं जो एमसीए सीईटी का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, वो सभी कॉलेजेस का नाम गाइज आपको इन कट ऑफ लिस्ट में जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये तीनों कट ऑफ लिस्ट मेरे पास है, ये कैप राउंड वन की है, ये कैप राउंड टू की लिस्ट है, एंड ये कैप राउंड थ्री की लिस्ट है। अगर आपको भी ये लिस्ट चाहिए एंड कट ऑफ्स आपको देखना है, तो मैंने मेरे ऐप में फ्री मटेरियल्स में ये तीनों कट ऑफ लिस्ट जो है वो डाल रखी है। आप फ्री में वहाँ से जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पर नॉलेज सीकर सर्च कर लेना, ऐप मिल जाएगी, वहाँ पर फ्री मटेरियल में जाके आप इजीली ये जो कट ऑफ्स है वो डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। अब इन कट ऑफ लिस्ट में गाइज कुछ बेसिक चीज़ें होती है, तो मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा एक कॉलेज कोड रहता है, जिससे कॉलेज की एक पहचान होती है। फिर यहाँ पे पूरे कॉलेज का नाम रहता है, उस कॉलेज में आपको कौन सा कोर्स मिल रहा है। जैसे हमें एमसीए देख रहे हैं तो मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स का नाम देखने को मिलेगा। यहाँ पे कौन से यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज आता है वो हमें देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम हमें जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये कॉलेज स्टेटस है एंड ये यूनिवर्सिटी का नाम है, ठीक है। तो ऐसे पूरी लिस्ट है, यहाँ पे आपको सारे कॉलेजेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस के कॉलेजेस होते हैं, कुछ ऑटोनॉमस होते हैं, कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस होते हैं। तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर आने वाले कुछ दिनों के बाद जो है वो डिटेल में जानेंगे कि कट ऑफ्स आपको एक्चुअल में जो है वो कैसे रीड करना है, ठीक है। अभी बस मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। तो इस टाइप के हमारे जो कट ऑफ्स है वो होते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आपको कट ऑफ मिल जाएंगे, जैसे ओपन कैटेगरी का कट ऑफ कितना है, एससी का कट ऑफ कितना है, फिर एनटी का कितना है, ओबीसी का कितना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं गाइस कि कौन से टॉप कॉलेजेस हैं एंड टॉप कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो कितना जाता है। तो टॉप कॉलेजेस फाइंड करना गाइस थोड़ा मुश्किल है इस लिस्ट में, बिकॉज यहाँ पे 127 पेजेस है, एंड कौन से कॉलेज का कट ऑफ कितना जाता है थोड़ा ढूंढना मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए गाइस हमने आपके लिए एक जो शीट है वो बनाई है, जिसमें हमने कॉलेजेस को जो है वो हाईएस्ट कट ऑफ से लेके तो लोएस्ट कट ऑफ तक जो है वो पूरा अरेंज कर रखा है, ताकि आप इजीली कॉलेजेस को जो है वो फाइंड कर पाओ, एंड यहाँ से इजीली कॉलेजेस भी मिल जाते हैं। तो ये लिस्ट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इन्हें लेके इसका यूज़ जो है वो कर सकते हो। तो जो सबसे बेस्ट कॉलेज है गाइज एमसीए के लिए वो माना जाता है वीजीटीआई मुंबई, ठीक है। तो इसका नाम हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इस लिस्ट में, एंड जो हमारी कैप राउंड की लिस्ट है यहाँ पे कंट्रोल प्लस एफ दबा के कंट्रोल वी कर देते हैं, तो इस कॉलेज का कट ऑफ हमें जो है वो डिटेल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो वीजीटीआई का जो ओपन कैटेगरी का कट ऑफ है कैप राउंड वन में फॉर होम यूनिवर्सिटी, वो जाता है गाइज 99.54 परसेंटाइल, एंड जो रैंक है वो है 54, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपका कैप राउंड वन में मतलब मेरिट रैंक जो है वो 54 या फिर उसके ऊपर है, मतलब सपोज आपका रैंक 50 है
या फिर 40 है तो आपको VGTI में एडमिशन जो है वो मिल जाएगा कैप्रॉन वन में, ठीक है। वही अगर OBC की बात करें तो 341 रैंक है, ठीक है। तो अगर आपका रैंक 341 या फिर उसके नीचे है तो फिर आपको ये कॉलेज में जो एडमिशन है वो मिल जाएगा। तो ऐसे हमें आपसे जो कट ऑफ है वो रेफ़र करना है। फिर अगर हम देखते हैं और एक कॉलेज अच्छा है जो कि है ये SPIT, ये भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है मुंबई रीजन में, पुणे रीजन में, पुणे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है, वो भी एक अच्छा कॉलेज है। फीस भी उसकी जो है वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम कॉपी कर देंगे एंड यहाँ पे Ctrl+F करके पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे ये कॉलेज आ गया। इसके डिटेल कट ऑफ आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। इसका कट ऑफ 98 के आसपास जाता है कैप्रॉन वन में, OBC का 96 के आसपास जाता है, SC का आप देख सकते हो 95 के आसपास जो है वो कट ऑफ जाता है। एंड कैप्रॉन टू वगैरह में भी जो है वो आप चेक कर सकते हो, बट कैप्रॉन इस साल के कैप्रॉन वन के लिए आपको लास्ट ईयर के कैप्रॉन वन के ही कट ऑफ जो है वो रेफ़र करना, बिकॉज कैप्रॉन टू के रेफ़र करोगे तो फिर आपकी जो लिस्ट है वो सही से नहीं बन पाएगी, ठीक। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। अब टॉप 10 कॉलेजेस अगर हम देखते हैं तो टॉप 10 कॉलेजेस में गाइज अगर आपको एडमिशन चाहिए तो मिनिमम आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा देखते हैं। तो ये है टॉप 10 तक के कॉलेजेस। तो यहाँ पे अगर आपको एडमिशन चाहिए तो ओपन कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो 94% तक जो है वो जाता है कैप्रॉन वन में। वही अगर हम कैटेगरी की बात करें तो 90-91% में आपको टॉप 10 में कॉलेजेस जो है वो मिल सकते हैं। अगर आपकी SC ST कैटेगरी है तो और कम परसेंटाइल में जो कॉलेज है वो भी मिल सकता है, ठीक है। वही टॉप 20 की बात करें तो टॉप 20 तक गाइज इतने कॉलेजेस हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिलते हैं। तो टॉप 20 का अगर हम देखते हैं कट ऑफ तो 90% तक टॉप 20 में ओपन कैटेगरी जो है वो जाता है। वही अगर आप और कोई कैटेगरी देखोगे तो और कट ऑफ जो है वो आपको कम देखने को मिल जाएगा। टॉप 30 अगर हम देखते हैं तो टॉप 30 तक भी जो कट ऑफ है वो 80-85 तक जो है वो जाता है। और कम परसेंटाइल में भी कुछ अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, उनके बारे में भी मैं डिटेल वीडियो जो है वो ज़रूर बताऊंगा, जिससे जिन्हें कम परसेंटाइल है उन्हें भी अच्छा जो कॉलेज है वो मिल पाए। तो वो वीडियोज़ भी आपको आने वाले समय में जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो ये लिस्ट आप ले सकते हो गाइस, जिससे आप इजीली कॉलेज जो है वो फाइंड कर सकते हो। अगर आपको सपोज 90% वगैरह तो आप देख सकते हो इजीली कि 90 के आसपास कितने कॉलेजेस हैं एंड उनका ही इन्फॉर्मेशन निकालो। फालतू में इतने कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोई ज़रूरत आपको जो है वो नहीं रहेगी। साथ ही में मैंने यहाँ पे कॉलेजेस को रेड मार्क करके भी रखा है, तो ऐसे कॉलेजेस जो कि ऑटोनॉमस कॉलेजेस है उन्हें मैंने रेड करके रखा है ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो ईजिली मिल जाए, ठीक है। तो इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा गाइस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट होता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि मैनेजमेंट कोटा कौन से कॉलेज में अवेलेबल है एंड कौन से नहीं। तो इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, उस लिस्ट के वजह से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा की सीट्स है या फिर नहीं। तो अब होता क्या है कि जिन स्टूडेंट्स को कम मार्क्स मिलता है तो वो मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। मैनेजमेंट कोटा का फीस आपको जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, बट कम परसेंटाइल में आपको एक अच्छा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। तो उसकी भी डिटेल्स आपको जो है वो आने वाले समय में जल्दी जो है वो मिल जाएगी। बाकी ये कट ऑफ्स के लिंक जो लिस्ट जो है वो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो एंड ये वाली जो लिस्ट है ये पेड है, इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे जो है वो परचेस कर सकते हो। इसके अलावा गाइस जल्दी मैं जो काउंसलिंग राउंड्स एंड काउंसलिंग के जो हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो डालूंगा। तो जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे काउंसलिंग में तो वो ज़रूर ऐड हो पाएंगे उसमें। तो उसमें गाइस हम आपकी पूरी जो लिस्ट है कॉलेजेस की वो बना के देते हैं, साथ ही में जितने भी पूरी कैपराउंड की प्रोसेस है उनमें डिटेल में आपको पर्सनल पूरा जो सपोर्ट है वो करते हैं एंड पर्सनली सारी जो चीज़ें वो बताते हैं। तो उसके बारे में भी डिटेल में आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा, वो भी बहुत अच्छा होता है। उससे आपकी जो है वो पूरी लिस्ट हम बना के देते हैं, साथ में प्रेफरेंस भी बताते हैं कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है, ठीक है। तो वो आने वाले समय में हम अनाउंस करेंगे, वैसे उसके लिए थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा। बाकी ऐसे ही रहते हैं गाइस हमारे कट ऑफ टॉप कॉलेजेस के ऊपर डिटेल वीडियोज आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ भी डाउट्स होगा गाइस तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो एंड इंस्टाग्राम पर मैसेज करोगे तो हाय वगैरह मत बोलो, डायरेक्ट अपना क्वेश्चन पूछो ताकि मैं डायरेक्ट आंसर जो है वो कर सकूं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो आपको ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोस के लिए गाइस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।